जन सरोकार मंच के द्वारा एफबी लाइव प्रोग्राम्स में भाई देवेंद्र जी जोशी का आग्रह था कि कुछ और भी परिवर्तन किए जाए, तो तय किया गया कि हम एक लाइव श्रृंखला इस तरह की शुरू करें जिसमें हम जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामाजिक सरोकार अलग अलग क्षेत्रों में हैं और मूल्यवान हैं, तो हम उनसे एक संवाद स्थिति पैदा करें ताकि वो क्या सोचते हैं, किस तरह करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां महसूस करते हैं सामाजिक स्थितियों के साथ, वर्तमान की स्थितियों के साथ। उसी कड़ी में हमने शुरू करी है आपकी मेरी बात। तो आज हमारे इस श्रृंखला में हमारे सभी दर्शकों के लिए एक अच्छी बात है, मैं सभी को स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच आज है अकबर खान साहब। अकबर खान साहब के बारे में ये जिला तो बखूबी जानता है, लेकिन इस जिले से बाहर भी लोग ऐसी शख्सियत को पहचाने और मन में एक सम्मान और एक आदर की दृष्टि से उनको देखा जाए, यह जनसरोकार मंच की भी अभिलाषा है। तो अकबर साहब, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। अकबर साहब, आपने ज्यादा उम्र तो आपकी नहीं लगती, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं बचपन से ही आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आप शुरुआत में राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े, तो क्या आप बताएंगे कि किन भावनाओं को लेकर आपके मन में और किस उम्र से ये सब हुआ और आप किस तरह से अलग अलग पार्टियों में रामलाल जी के संग रहे, और आप उस पर बताएंगे कि कैसे आपका रुझान इधर हो गया। देखिए सर, आज मैं जन सरोकार मंच की सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज मेरे को यहाँ बुलाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद एक किसान थे, हकीम थे। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई जब मैं छोटा था, जब मैं उनके साथ रहा करता था, उनके साथ जाया करता था, ठीक है, कि बेटा अपने लिए तो हर एक इंसान जीता है, लेकिन जिंदगी के अंदर कुछ समय कुछ काम ऐसे करना दूसरों के लिए कि लोग तुम्हें याद रखें। जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान का एक पहलू। मुझे मेरे वालिद की प्रेरणा बहुत अच्छी है और मैंने अपने युवावस्था के अंदर ही लमसम में जो है 21-22 साल की उम्र से ही लोगों की सेवा का एक मेरे को जुनून रहा है, लोगों की सेवा का एक मेरे को ऊर्जा देता है, हिम्मत देता है कि जब मैं लोगों की सेवा करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। उस टाइम पे भी मैं जो है मतलब स्कूल के अंदर जो है मतलब युवा प्रेसिडेंट, क्लास के अंदर प्रेसिडेंट की हैसियत से रहा। जिस संस्था के अंदर मैं पढ़ता था उस स्कूल का भी जो है मतलब मैं अध्यक्ष रहा और लोगों के और युवाओं को मैंने जो है मतलब अपने जो भी मुझसे बन सकता है मैंने उनके काम किए, उनके साथ रहा, एक जज्बा बनते गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 साल की उम्र के अंदर ही मेरे को ये ऐसा लगा कि क्यों ना कोई राजनीतिक पार्टी के साथ जो है जुड़ जाए अपन, तो लोगों की सेवा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जनता दल का नाम और जनता दल का जो है दबदबा था, हर जगह जनता दल ही देखी जाती थी। तो टोंक लोकसभा क्षेत्र से गोपाल पचीरवाल जी जब यहाँ चुनाव लड़ने आए, उस टाइम से मैं उनके साथ जो है जनता दल के अंदर जुड़ चुका था, क्योंकि इससे पहले जब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जो है शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उसी दरमियान के अंदर जो है वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, गुजराल साहब रहे, एच डी देवगौड़ा साहब रहे, और मैं जनता दल मैंने जो है ज्वाइन करी और ज्वाइन करने के अंदर मैं यूथ का प्रेसिडेंट रहा जिले का। उसके बाद के अंदर भी मैं जो है मैन धोनी का भी जो है जिला अध्यक्ष रहा, और उसी दरमियान जो है वो चुनाव आ गए और गोपाल पचीरवाल जी के साथ मैंने जो है चुनाव की पूरी तैयारी की और उन्हें जिताकर
यह है यहाँ की जनता ने और हमारी मेहनत ने उनको भेजा। उससे एक अच्छा लगा कि पब्लिक की सेवा करने का हमें जो है मतलब एक रास्ता मिल गया, हिम्मत मिल गई और एक लेवल मिल गया, हमने जो है जी भर के सेवा की लोगों। दरमियान में आपको बताना चाहूंगा सर जी कि लमसम 20-22 साल मेरे को जो है मतलब इस फील्ड के अंदर रहा, और पासवान जी उस टाइम पे जो है जनता दल के अंदर थे। जब जनता दल अलग हुआ तो रामविलास पासवान जी ने जो है मतलब लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। मैं रामविलास पासवान जी को शुरू से ही उनके बताए हुए रास्तों को, दलितों की जो वो जो है पैरवी करते हैं, हर समाज की जो पैरवी करते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, उनके काम अच्छे लगते थे जो लोगों के लिए काम करते थे। मैं पासवान जी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर आ गया और उनकी पार्टी के अंदर प्रदेश महासचिव रहा, कंटिन्यूस प्रदेश महासचिव रहा। उन्हीं का एक प्राइवेट संगठन है, पर्सनल संगठन है, दलित सेना। दलित सेना के अंदर भी मुझे प्रदेश महासचिव रहा, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उनके साथ रहा। लेकिन मैं सर जी बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं कई संगठनों से जुड़ा हुआ था और संगठनों के माध्यम से लोगों की सेवा करता था। मैं रहा मानव राष्ट्रीय मानव अधिकार स्वेच्छा संगठन का राष्ट्रीय संयोजक रहा हूं और अभी भी मौजूद हूं। इसके बाद मेरे को किसानों की समस्या को उठाने में जो है मतलब ज्यादा ऊर्जा मिलती थी, ज्यादा अच्छा लगता था कि अगर किसान भाइयों को मैं हेल्प कर सकता हूं, उनके लिए कुछ कर सकता हूं, तो इससे बढ़ के जो है मेरे लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि कहता है कि ईश्वर पैदा करता है लेकिन किसान जो है मतलब गर्मी और लू और धूप के अंदर अपना पसीना सींच कर जो है अनाज पैदा करता है और अनाज पैदा करके लोग जो है जीवन के अंदर अनाज देता है। कहता है कि जीवन के लिए जो है अनाज बहुत जरूरी है, अंधाता है हमारा किसान। तो मैं जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमारे रामपाल जाट साहब, उनके साथ उन्होंने कहा अकबर साहब आप आ जाएंगे किसानों की सेवा करने का आपका जज्बा है, लोगों की सेवा करने, तो मैं उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव पद पर अभी भी मौजूद हूं और उनके साथ हूं किसान महापंचायत के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि कहते हैं कि बेटी देश की शान है, मां बाप की जान है, उसको लेकर बेटियों के सम्मान को लेकर बेटियों की जो है गतिविधियों को लेकर मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इस संगठन से जुड़ जाऊं। क्योंकि जयपुर के अंदर इसके जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने जो है पवन सागर जी, तो उन्होंने कहा कि अकबर खान जी आप आ जाइए, तो मैं इसके अंदर भी जुड़ा हुआ हूँ और प्रदेश महासचिव की पद पर अभी मौजूद हूँ। लेकिन सर जी मेरे को ऐसा लगा, लोगों ने मेरे से कहा, लोग हित के काम किए, वैसे कई संगठनों का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, यहाँ बीड़ी मजदूर यूनियन बीड़ियों का धंधा रहा जिले के अंदर, उसका अध्यक्ष रहा। सबसे मेन टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा सर जी कि आज जब से ये दुनिया कायम हुई है, जब से ये जिला जो है रेल से वंचित रहा और ये जिला वंचित रहने का कारण है क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं बढ़ सका है, किसानों को राहत नहीं मिल सकी, उनका अनाज जो है बाहर नहीं मिलता है, लोग पिछड़े हुए हैं। तो जब मैंने ऐसा महसूस किया कि रेल का होना अति आवश्यक है, तो रेल का मामला उठाया और मामला इतना जोर शोर से उठाया कि अगर जब कांग्रेस की सरकार थी एनडीए की, तो उसके अंदर वित्त राज्य मंत्री थे रमनलाल मीणा जी, मैंने उनसे संघर्ष लड़ा। संघर्ष लड़ के जो है मतलब उस दरमियान के अंदर उन्होंने वहां पर एनडीए सरकार के अंदर जो है इसकी पैरवी की और 873 करोड़ रुपए जो है उन्होंने पास कराए और रेल सेंक्शन कराए। लेकिन कहते हैं कि दुर्भाग्य की बात है टॉक के लिए कि कांग्रेस की सरकार भी थी लेकिन कुछ पहलू ऐसे रहे कि जो है राजस्थान को आधी जमीन और आधा पैसा देना था, सरकार जो है टाइम पर जो है मतलब ये घोषणा हुई राज्य सरकार दे नहीं पाई। वसुंधरा जी की सरकार आई तो वसुंधरा जी के एक एक मंत्री को लेकर चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, इस आवाज को मैंने बुलंद किया, एक एक मंत्री का दरवाजा खटखटाया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का दरवाजा खटखटाया, उनसे 3 बार 4 बार मैं पब्लिक के साथ मिला, स्वयं मिला, अक्सर वो कहती रही कि बिल्कुल मैं दूंगी दूंगी। जब टोंक के अंदर आई तो उन्होंने ये कहकर कि ये मामला तो केंद्र सरकार का है, मैं इसे नहीं दे सकती, उसे भी उन्होंने छोड़ दी। इसी दरमियान के अंदर सर 2000 जो है इस 20 के अंदर 2018 के अंदर जो है मतलब चुनाव जो है मतलब घोषणा हुई, और घोषणा हुई तो मेरी पूरी तैयारी थी, पब्लिक की चाहत थी, पब्लिक चाहती थी कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो पब्लिक के हित की बात करे, किसान की बात करे, मजदूर की बात करे, युवाओं की बात करे। तो उन्होंने क्लियर किया अकबर खान जी आप चुनाव लड़े, तो मैंने पब्लिक की डिमांड पर जो है अपना मानस बनाया और पूरी तैयारी कर ली थी मैंने चुनाव लड़ने की 2018 की।
लेकिन उसी दरमियान जो है हमारे टोंक विधानसभा से सचिन पायलट जी का नाम आया और आने के बाद ऐसा लगा मेरे को ऐसा लगा कि एक युवा और कहते हैं सीएम का दावेदार अगर यहां आता है तो हमें चाहिए क्या, यहां के बेरोजगार को रोजगार, किसानों को खुशहाली और यहां के मजदूरों को जो है खुशहाली चाहिए। तो उसी दरमियान जब हमारी तैयारी की तो सचिन पायलट जी ने हमें वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता के अंदर हमारा ये डिसीजन हुआ कि पायलट साहब ने कहा कि चुनाव लड़ रहा हूं मैं, आप बताइएगा, आप भी चुनाव लड़ेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे, पब्लिक की सेवा के लिए बताइएगा मैं वो कर सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले रेल की मांग रखी, उन्होंने मुझसे वादा करा कि अकबर खान जी रेल लाकर छोड़ेंगे और उन्होंने रेल का जो है घोषणा पत्र के अंदर तुरंत लिया भी और लेने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार का अवगत भी करा दिया, कार्रवाई चल रही है। मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूं कि सचिन पायलट जी ने जो वादा किया रेल का वो रेल लाकर छोड़ेंगे, रेल आकर रहेगी और ये सपना साकार होगा। सचिन पायलट जी एक युवा थे, कद्दावर नेता थे और राजस्थान में तो कहता हूं कि केंद्र के अंदर भी जो है मतलब उनके जैसे युवा मेरे को शायद कोई नजर नहीं आता है। तो उनकी अच्छाइयों को देखते हुए, उनकी जो है मतलब पब्लिक से हित से संबंधित जो है मतलब उनके जो जज्बे हैं उसको देखते हुए उनसे प्रभावित हुआ और मैंने तुरंत प्रभाव से पायलट साहब से कहा कि ठीक है कि मुझे पब्लिक का हित चाहिए इसलिए मैं आपके साथ हूं। आज 2018 से जो है यहां से टोंक विधानसभा से सचिन पायलट जी जीते, आज वो जो है मतलब उप मुख्यमंत्री सीट पर हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे टोंक शहर को, हमारी विधानसभा को और हमारे राजस्थान को डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी मिले और हमें पूरी उम्मीद है कि सचिन पायलट जी वो हर एक काम करेंगे, वो हर एक दुख दूर करेंगे जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं। मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि मेरे टोंक विधानसभा के अंदर जो रेल के मामले उस रेल का सपना वो जरूर साकार करेंगे। इसी इच्छा को लेकर और इसी जो है कहते हैं कि उनके प्रति जो मोहब्बत और उनके प्रति जो जज्बा है उनमें काम करने का जो मैंने जज्बा देखा है शायद किसी नेता के अंदर नहीं है। इस जज्बे से मैं उनसे प्रभावित हो गया और मैं पायलट साहब के साथ ही अभी जुड़ गया हूं और उनके साथ हूं। उनके मार्गदर्शन जो भी होते हैं मैं उनके मार्गदर्शन अनुसार काम कर रहा हूं और वो काम करता रहूंगा जब तक मेरी जान में जान है, पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित के लिए। सचिन पायलट जी, अकबर साहब आपकी सारी बातें बहुत अच्छी सुनने में नहीं समझने में नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े प्रश्न उठते हैं हमारे मनों में। वो मूल प्रश्न ये है कि आप जनता दल से लोक जनशक्ति में आते हैं, रामविलास जी पासवान से आशीर्वाद जी के साथ आप रहे, दलिस्तानों को आपने संभाला राजस्थान में बहुत बखूबी संभाला, लेकिन अचानक आप सचिन पायलट जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। अब प्रश्न यह आता है कि क्या आप व्यक्तिनिष्ठ आदमी है, मतलब जो आदमी पसंद आया आप उसके साथ हैं या उसकी जो राजनीतिगत जो पार्टी है उससे जुड़ाव करते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि साहब आप कांग्रेसी हो गए तो आप शायद स्वीकार ना करें, तो प्रश्न ये उठता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के लिए निष्ठावान हैं या नहीं। देखिए साहब, आपने जो सवाल किया है वो मेरा ज्यादा ख्याल है कि उसका जवाब देना भी जरूरी है जी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि सचिन पायलट जी एक कद्दावर नेता है, युवा है और मैंने उनके वजह से ही उनका साथ पकड़ा है और जब मैं सचिन पायलट जी के साथ आ गया हूं तो जाहिर सी बात है कि वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि उनके जो निर्देश होते हैं मैं उसकी पालना कर रहा हूं और आगे भी उनके जो निर्देश होंगे उसी की मैं पालना। ये बात आपको बहुत अच्छी है कि आप किसी व्यक्ति के लिए आप बहुत ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं, पूरी निष्ठा से उनके साथ आप जुट के काम कर रहे हैं, ये सारा शहर देख रहा है, पूरा जिला देख रहा है, लेकिन क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ भी हैं या सिर्फ सचिन पायलट के साथ है? लेकिन साहब जाहिर सी बात है कि ये सवाल मैं फिर भी आपसे कह चुका हूँ कि जहाँ सचिन पायलट जी हैं जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं सचिन पायलट जी के साथ हूँ तो उनके सारे निर्देशों की पालना कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं सचिन जी के लिए, सचिन पायलट जी के लिए उनके हर एक चीज को मैंने जो है कबूल कर रखा है और उनके जो निर्देश होंगे वो कर लेते हैं कि आप कांग्रेस के साथ।
इसमें क्या व्यवधान है? जब आप 5 साल तक सचिन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईमानदारी से उनके सारे निर्देशों की पालना करने को कटिबद्ध हैं, तो क्या उनके निर्देश कांग्रेस की नीति के अनुसार नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के अंदर जो है सचिन जी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी नीति के साथ और उनकी तो फिर हर एक चीज के साथ इस बात को स्वीकार करने में झिझक क्यों? नहीं झिझक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहां मैंने सचिन जी को ज्वाइन कर लिया तो जाहिर सी बात है कि मैंने हर एक चीज ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न उठता है, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये आपने जिक्र किया अभी मानव अधिकार सुरक्षा का, किसान महापंचायत का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फाउंडेशन का, जिनसे आप जुड़े रहे और बहुत अच्छे पदों पर अभी भी हैं। ये सारे पद राजनीति से प्रेरित नहीं, ये सारे पद और इनमें जो काम किया जाता रहा है आपके द्वारा भी और इनके और आगे जो आगे लोग पदों पर हैं उनके द्वारा, वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं है ऐसा सामने आता है उनके चरित्र। अब चाहे रामपाल जी जाट साहब हो या कोई और, तो वो एक सोशल अवेयरनेस सामाजिक जागरण की बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सामाजिक जागरण है कि समाज में ये बात उजागर की जाए, समझाई जाए कि हमें बेटी क्यों पढ़नी चाहिए। तो आपके साथ एक पक्ष ये जुड़ता है कि आप एक पक्ष जिंदगी का यह है कि आप किसी राजनीतिक व्यक्ति से उसका सम्मान करते हुए उसके निर्देशों को पालना पर अपना जीवन चला रहे, एक पक्ष है। वहीं दूसरा पक्ष आपके सामने ये आपकी तरफ से हमारे लिए आता है कि आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं और लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं और काम ही नहीं कर रहे तन मन धन से जुड़े हुए, जहाँ जरूरत पड़ती है पैसे की उसका सहयोग भी करते हैं, जहाँ व्यक्तिगत रूप से आपकी जरूरत होती है आप वहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी होते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं कि आप एक कदम पीछे रह रहे हैं, जो जिम्मेदारी है उसको आप भरपूर निभा रहे हैं। लेकिन सामने पक्ष ये आता है कि ऐसी स्थितियों में आपका कोई कदम ऐसा नजर नहीं आता कि आप स्वयं कोई राजनीतिक व्यक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। या तो खैर मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि राजनीतिक के व्यक्ति के रूप में तो मैं हुई नहीं, जहां से सचिन जी के साथ जुड़े नहीं, देखिए राजनीति होती है उसमें जो जैसी आज की वर्तमान की राजनीति है या पिछले 10-20 साल से चली आ रही है, उस राजनीति में आदमी अदरवाइज कोई ना ले, लेकिन ये आदमी ज्यादातर सेल्फ सेंटर्ड जिसे हम कहते हैं आत्म केंद्रित, मतलब पहले अपने अपने लिए सोचता है, ये हिडन एजेंडा होता है, छुपा हुआ, चाहे वो व्यक्ति मंच से कुछ भी कहे लेकिन वो जब लाखों करोड़ों रुपए लगा के 2-4 करोड़ का जब इलेक्शन लड़ता है तो वो भी उसके घर में टकसाल तो लगी ही है, तो वो राजनीतिक हित के माध्यम से अपना जीवन भी सुधारता है, अपनी आर्थिक स्थितियां भी संभालता है। लेकिन आपके पक्ष में ऐसा नहीं है, समस्या यहाँ ये है। बिल्कुल आपने सही सवाल कराए सर जी, आप जो मैं अपना घर का दिया जला के दूसरों को रोशनी देने के लिए जो है मतलब प्रयास करता हूं, और आज मैं सचिन जी के साथ भी अगर जुड़ा हूं तो वो मेरे मेरे हित के लिए नहीं जुड़ा हूं, मैं पब्लिक के हित के लिए जुड़ा हूं। यही प्रश्न आता है कि आप जिस जैसा राजनीतिक व्यक्ति को माना जाता है कि वो राजनीति का आदमी है, वो चरित्र तो आपके संग है ही नहीं, लेकिन जो जज्बा जो काम करने का लगन है सब वो जो है मतलब उसके लिए नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। आपका जज्बा तो सुनने में ख्यास लिख रहा है जी, लेकिन आपको एक सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, मेरी अपनी राय है, आप लोग मैं काफी टाइम से आपको देख रहा हूँ, किया जा सकता पब्लिक की सेवा करना क्या गुनाह है? अगर राजनीति के अंतर्गत जाता है आदमी तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक के कामों के लिए भी जाता है। और आपके द्वारा सारी गतिविधियां राजनीतिक नहीं होकर सामाजिक जागरण की है, समाज की सेवा की है। देखिए अभी आप चलिए आपसे ही मैं पूछता हूँ कि अभी कोरोना की महामारी का जो भी हमारे पूरे देश में ही एक अजीब सी त्रासदी गुजरी है और जो कई संगठन हैं, कई भामाशाह हैं जिन्होंने
कोशिश की है कि लोग जो कर सकते हैं करें, लेकिन हम अखबार वाले हैं, हम सब देखते हैं समझते हैं। अधिकांश का ये रहा, चाहे हमारे सांसद हो जिले के या दूसरे अन्य लोग हो, या ये मान लीजिए विपक्ष के जनप्रतिनिधि हो, अधिकतर सामने आया कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसको भरपूर प्रचारित किया, लेकिन आपके द्वारा सुनने में आया कि वो लोडर होता है छोटा गाड़ी का, वो भर भर के लोगों के घर घर राशन सामग्री इत्यादि पहुंचाई जा रही, लेकिन किसी ऐसा कोई चित्र हमें नहीं मिला कि आप किसी को खड़े होकर राशन सामग्री का किट दे रहे हो और उस फोटो को प्रचारित किया गया। तो ये आपके चरित्र को अलग तरह से रेखांकित करता है कि आप अपना प्रचार प्रसार में लिप्त नहीं है, आपको जो करना है आपने किया। तो हम अखबार वाले भी ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस लालसा से काम कर रहा है। तो आपके द्वारा हमें ऐसा कोई, हमें वो ट्रक का फोटोग्राफ तो मिला जिसमें कट्टे लदे हुए हैं इस कोरोना टाइम में, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया है कि अकबर खान साहब ट्रक को झंडे दिखा रहे हो, अकबर खान साहब ट्रक के पास खड़े हो अपनी टीम के साथ और अकबर खान साहब लोगों को किट बांट रहे हैं और उसके फोटो आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं आया। तो ये आपकी मनोवृत्ति है जो आपको आज की तथाकथित राजनीति और प्रचार प्रसार की जो भूख जिन लोगों में है उनसे आपको अलग एक व्यक्तित्व के रूप में खड़ा करती है। तो इसलिए आपको इसलिए आज तकलीफ भी दी गई कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि एक ऐसा इंसान जो प्रचार प्रसार से भी दूर रहता है और निरंतर जन सेवा में, ये तो एक पहलू है। एक बहुत बड़ा पहलू है जो दिखाई नहीं देता कहीं और, लेकिन हम कुछ नसीब हैं जिले वाले कि वो आप में दिखाई देता है, जिसे हम हमारा शहर जिला अगर पुलिस प्रशासन की नजर से देखा जाए तो बहुत सेंसेटिव जोन कहा जाता है। अब सेंसेटिव जोन कैसे कहलाता है, पुलिस प्रशासन ने क्यों इसको सेंसिटिव जोन में डार्क जोन में डाल रखा है कि साहब मालपुरा जैसे ऐसा जोन है, या कहीं और फसाद है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, ऐसा भी है। लेकिन आपने जैसा कि हमने देखा है, आपका अपना व्यवसाय जो भी है ठीक है, उसका व्यवसाय क्या कोई छाया आपके इन सारे कार्यक्रम नहीं, लेकिन एक समय था कि जब आपने शिवालय का निर्माण कराया, शिव मंदिर की स्थापना के लिए बस्ती और पूरी आस्था के साथ उन लोगों के बीच खड़े हुए जो सीधे उस आस्था से जुड़े हुए, कहना नहीं चाहिए इसे हिंदू मुसलमान शब्द बहुत खराब है, हमेशा हमें दूर बांटता है, लेकिन आपने वो एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया, ठीक है। और आपकी इस बात पर जो लोग थोड़े से इससे कहना चाहिए मन में कोई कमी रखते हैं, उन लोगों को तो शायद ही ज्यादा अच्छा ना लगा हो, लेकिन जो आदमी समझता है, शहर में ऐसा तो नहीं कि समझदारों की कमी है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने फोन करके कहा कि अकबर खान क्या चीज है यार, ये तो मुसलमान है, मंदिर कैसे बन रहा है। देखिए मैं उसके संबंध में आपके बात करना चाहूंगा जी कि मंदिर हो या मस्जिद हो लेकिन ईश्वर तो एक ही है ना, मतलब ये बताइए किसने बांटा, इंसान ने इंसान को बांट दिया। बहुत अच्छा। तो मेरा जो जमीन कहता है जी, चाहे मंदिर का निर्माण हो या चाहे मस्जिद का जो है इमारत का हो, ईश्वर को याद करने का काम ही तो किया जा रहा है, तो यह हिंदू मुस्लिम की बात कहां है। ये भी बात, इसे
और सामाजिक कार्यकर्ता में तो दिखाई नहीं देती है अकबर साहब, वो अपना अपना नजरिया है सर। मेरा नजरिया, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप ये बताए कि ये जो सोच की विराटता है कि सब भाई है, सबका मालिक खुदा ईश्वर एक है, जिस बात पर आप चल रहे हैं, जो लोग झंडे उठा रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है या राम खतरे में है या बालाजी खतरे में है, वो इस संकीर्णता को उससे ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? देश में ऐसा माहौल क्यों है? हम साथ साथ जन्मे हैं, साथ साथ खेले, तो आपने तो उदाहरण प्रस्तुत किया ना, मतलब सिर्फ कहा नहीं, आपने करके दिखाया है, और आप वहां लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं उस बस्ती का। तो चाहे आपने बहुत बड़ा एक शहर ना बसाया हो, लेकिन एक बस्ती ही बसाई, लोग तो एक घर बसाने में खत्म हो जाते हैं, आपने एक बस्ती बसाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब की जो उम्र है, आपकी जो आपकी लाइफ लाइन कहूंगा, आपकी जो जीवन रेखा जिस तरह चल रही है, इसमें प्रमुख रूप से सवाल फिर आता है सामने कि अगर मैं थोड़ा सा भी व्यक्तिगत होकर सोचूं तो मैं कभी सोचता हूं अकबर साहब का फ्यूचर क्या है, मेरे मन में सवाल आता है, क्योंकि अकबर साहब बहुत दरिया दिली से सबकी मदद के लिए आगे रहते, गांधी प्रतिष्ठान समिति की तरफ से यहाँ पिछले साल जून में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, मुझे याद है करीब 150 प्रतिनिधि जो गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए देश भर से यहाँ आए, आपने तो सिर्फ सुना था, लेकिन आगे होके आपने उस कार्यक्रम के लिए जो राशि दी, और राशि देना कोई बड़ी बात नहीं है, हर पैसे वाला कोई भी देश लेता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उस 3 दिन के कार्यक्रम में जो व्यक्ति से उपस्थित होकर जिस चिंता से और जिस जिम्मेदारी से उस कार्यक्रम को अंजाम दिलवाया, प्रोग्राम सफल हुआ, सीपी जोशी भी यहाँ आए, आप भी उनसे मिले, आपका संबोधन भी सुना हमने, तो आपकी सारी लाइफलाइन ये बताती है कि आप एक राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, शायद तो वो जो छोटी संकीर्ण राजनीति होती है जहाँ अधिकांश जनप्रतिनिधि हमें उसमें ही लिप्त उस घेरे में नजर आते हैं, वो अपनी अपनी आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से, आप उनसे दूर है। तो कई बार प्रश्न होता है कि जिससे ज्यादा अच्छा आदमी को दिखता है तो उसके लिए चिंता होगी, हम मीडिया वाले भी चिंता करते हैं, तो आप थोड़ा बताएं कि आप क्या सोचते हैं अपने भविष्य के लिए। भविष्य मेरा इसी के अंदर बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि ईमानदार आदमी हो, चाहे वो राजनीतिक का मामला हो, चाहे वो किसी जो है प्राइवेट संगठन का मामला हो या समाज का मामला हो। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने लिए हर एक इंसान जीता है, दूसरों के लिए अगर जीकर दिखाए तो उसी को इंसान कहते हैं। और ये चीज जो है मैंने सचिन पायलट जी के अंदर भी देखी कि वो दूसरों के लिए जी रहे हैं, वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। शायद मैंने आज तक जो है मुझे इतना टाइम हुआ है और उन्होंने अपने लिए ऐसा कोई काम नहीं करा, लेकिन दूसरों के लिए जी रहे। मैं उसी प्रेरणा को लेकर मैं पायलट साहब के साथ जुड़ा, पायलट साहब के साथ जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं उनकी नीतियों से जुड़ा, उनके हर चीज से जुड़ा, और उनके जो है मतलब साथ के अंदर मैं रहा और साथ ही रहूंगा। तो जाहिर सी बात है कि साहब मेरा ख्याल ख्याल है कि मैं मेरे हित के लिए पॉलिटिक्स के अंदर भी मेरे हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं, मेरा यह मानना है कि मैं चाहे पॉलिटिक्स के अंदर हूं और ऊपर वाला अगर मुझे कहीं नवाजता भी है तो भी मैं पब्लिक के हित के लिए ही काम करूंगा, उसके लिए हर वक्त तन से मन से धन से हमेशा 24 घंटे तैयार रहूंगा, ये मेरी दिल की तमन्ना है कि मैं लोगों के हित के अंदर काम आ सकूं, यही मेरा जज्बा है, यही मेरा सोच है साहब, और यही मेरे वालिद की जो है थोड़ी सी जिज्ञासा है। आपने जब सचिन पायलट साहब को इतने करीब से महसूस कर दी तो क्या इस संबोधन में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि उनके किस सोच, किस प्रेरणा, किस काम से आप ज्यादा प्रभावित हुए?
ऐसी बातें साहब की जब जब मैंने सचिन पायलट जी का तारीख काल देखा, तो जब से पार्टी के अंदर मैं उनको देखता आ रहा हूं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हो, अभी डिप्टी सीएम है, जब जब मैंने देखा तो पब्लिक के हित के लिए, चाहे राज्य के अंदर मेरे मेरा आपको देखा हाल है, जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो मैंने बूंदी के अंदर दो तीन जगह देखा कि अगर जैसे कि दो जने भी अगर माला लेकर खड़े हुए हैं तो तुरंत गाड़ी रोक देते हैं। ठीक, मैंने शायद ऐसा कहीं किसी नेता के साथ नहीं देखा, उतर कर उस कार्यकर्ता को सम्मान दिया, उस इंसान को सम्मान दिया। मैंने कहीं जगह जो है किसानों को देखा रोड के ऊपर, अगर वो कहीं जा रहे हैं और अगर वो खड़े हैं तो तुरंत जो है मतलब उन्होंने गाड़ी रोक कर उनको जो है मतलब सम्मान दिया। ऐसा नेता कब मिलता है? मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी कि यार अकबर खान ये सही मिले हैं अपन को, अपना मार्गदर्शन देने वाले ये नेता सही मिला है अपन को, इसलिए इस नेता के साथ जुड़ जाओ, इस नेता की नीतियों के साथ जुड़ जाओ, इस नेता की पॉलिटिक्स की हर गतिविधियों के साथ जुड़ जाओ। इसलिए मैं सचिन पायलट जी के साथ जुड़ गया और मैं सचिन पायलट जी के साथ ही हूँ। उनके जो भी निर्देश होंगे, उनके जो भी डायरेक्शन होंगे, मैं उसी के जो है अनुसार मैं काम करूंगा और काम करता रहूंगा, ये मेरे दिल में सोच है। शुरुआत में आपने कहा ये उम्मीद कि सचिन पायलट साहब हमारे सीएम भी हो सकते हैं और हमारे जिले से हमारे टॉप्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा क्षेत्र है उससे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको लेकर बहुत सब लोगों में उम्मीद जागी कि अगर कोई ऐसा कद्दावर व्यक्ति आ जाता है हमारे जिले से विनिंग करता है जीतता है तो जिले के विकास में टोंक शहर के विकास में कई तरह की उम्मीदें आम जन में भी लगा रही है। उम्मीदें एक साथ तो पूरी होती नहीं है, तो सबका ये 5 साल का कार्यकाल है। कभी आप आपकी और उनसे कोई अंतरंग वार्ता के दौरान आपको लगा कि वो क्या सोचते हैं, जिले को क्या देना चाहते हैं या क्या दे दिया है या आगे भविष्य में क्या सोच रहे हो, कोई ऐसी बात हो जो आप बताना चाहें? सर जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो है मतलब हमारे डिप्टी सीएम साहब को ज्यादा समय नहीं हुआ है, इस कम समय के अंदर भी उन्होंने चाहे पंचायत राज का मामला हो, आप देखिए कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी जो है मतलब तारीफ की पंचायत राज की, नंबर वन के ऊपर, नंबर वन के जो है नरेगा का काम जो है दिया गया, लोगों को रोजगार दिया गया, वो शख्स वो हस्ती है जिसने लोगों को जीने का सहारा दिया। हाँ, अब आप देखिए मैं आपको जो है डिटेल से बता रहा हूं कि टोंक के अंदर जो है मतलब मेडिकल का दिया हूं मैं उनको, इस कहता है कि इस टोंक के लिए, इस जिले के लिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि राजस्थान के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ मेडिकल दिया। अभी आप देखिए कि सड़कों की काया पलटने के लिए जो है जिले को जो है मतलब 3200 करोड़ रुपए जो है मतलब उन्होंने दिए। हाँ, मेरा टॉप विधानसभा, मेरा जिला कैसा होगा, कितना खूबसूरत होगा, लोग जो है रोडों को देखेंगे तो उनका दिल जो है कितना प्रभावित होगा। हमारा जो है प्रदेश का नेता जो है मतलब हमारे डिप्टी सीएम ऐसा है कि उसने कुछ समय के अंदर ही टॉप के अंदर इतनी सौगातें देने का काम किया है, तो मैं ये कहता हूं कि 5 साल के अंदर क्या काया होगी सती, ये तो लोग ही देखेंगे, लोग जन्मों जन्मांतर जो है मतलब उनको याद रखेंगे। वो ऐसे काम वाले व्यक्ति हैं, वो ऐसे विकास वाले व्यक्ति हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे डिप्टी सीएम साहब के कार्यकाल के अंदर इतने विकास के कार्य होंगे जो देख रही होंगे। जब भी हम सोचते हैं तो पिछड़ा हुआ है, ये कलंक है। अब पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ औद्योगिक विकास की कमी है। मैंने लिखा भी था और आपसे भी शेयर कर रहा हूं कि टोंक में अगर जो बिसलपुर बांध है हर 3 साल में 4 साल में ये ओवरफ्लो होता है, लेकिन वसुंधरा जी भी चली गए, उनके कार्यकाल में भी कुछ ऐसा नहीं हो पाया कि हम इस पानी को एक व्यवस्थित रूप से ऐसे ही जाया ना जाने दें और लोगों का पानी, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब भी बारिश सामने है
इस सरदा बांध की चर्चा होती है, टोरडी सागर बांध की लिफ्ट योजना की बात होती है, जो सीधा किसान से जुड़ी है। पानी तो चलो हम पी लेते हैं, टैंकर हो जाता है, लेकिन जो मूल व्यवस्था है, जो हमारा किसान है उसको टाइम से पानी मिलता है, तो निश्चित हमारी कृषि उन्नत होगी, और कृषि उन्नत होगी तो भी चाहे सीधे औद्योगिक विकास ना दिखे, लेकिन कृषि आधारित विकास तो संभव हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि आपको इस संबंध में सचिन पायलट साहब से कोई बात करनी चाहिए? नहीं, जाहिर सी बात है साहब कि अगर ऐसा हमें देखा गया कि वैसे तो वो खुद ही जो है मतलब इसके वो बड़े गंभीरता से जो है मतलब उनकी नजर है किसानों के लिए, और जहां तक मेरा मानना है और आप भी देख रहे हैं, पूरे लोग देख रहे हैं कि किसानों के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए अभी सरदा का काम चालू कर दिया गया है, सरदा डैम जो है बन रहा है। आपने टोटी सागर के लिए कहा, वो भी बात उनके पास हो चुकी है, सब उनका ध्यान है। आपसे इसलिए कहा गया कि आप ईमानदारी से उनके करीब हैं, कोई झूठी बात जी आपका सहारा, आपको उनका सानिध्य या आपको उनका सानिध्य मिला हुआ है, तो क्यों नहीं दो अच्छे ईमानदार लोग जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं उन पर भी कोई बातचीत संवाद हो जाएगा, और जिले को, जिले के विकास में सहयोग होगी, क्योंकि ये पानी वेस्ट चला जाता है, बेकार चला जाता है। और मीडिया की तरफ से भी मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप ये बात अगर आपको ठीक लगे तो सचिन पायलट साहब तक जरूर पहुंचाने। बिल्कुल सर, यह मतलब वैसे उनकी सारी चीजों पर नजर है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे जो है मतलब उप मुख्यमंत्री महोदय और गांव विधानसभा के जो है मतलब विधायक महोदय जो है ऐसा काम देखने को मिलेगा कि लोग ऐतिहासिक में याद रखेंगे, उनकी सारी चीजों पर नजर है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम साहब जो है हमारे जिले के लिए, हमारे विधानसभा के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि राजस्थान की हर समस्या के लिए वो सभी सारे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, लोगों को राहत पहुंचाएंगे, किसानों को राहत पहुंचाएंगे, यह हम उनसे उम्मीद करते हैं और यही उम्मीद हमारे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस आभार के संग हम आपका स्वागत करते हैं और इस प्रोग्राम के लिए आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस आपसे बातचीत में जो मुख्य बातें सामने आई हैं वो बातें हैं हमारे जिले के विकास से भी जुड़ी, और आप जिनसे जुड़े हुए हैं और जिनसे आपके जैसे संबंध हैं, वहाँ कोई व्यक्तिगत ना राजनीति है ना धन का कोई व्यापार है, एक सोच है, वो सोच हमारे जिले के लिए विकास में फलित होगी, इन्हीं आशाओं के साथ। और देखो